खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है, जहां पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के अवथई इलाके में हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश 25,000 का इनामी है। गौ तस्कर के कब्जे से एक बोलेरो, 4 गौवंश बरामद हुए हैं। जो थाने हमारे बिहार बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहां अक्सर गौ तस्करी की शिकायतें आती रहती हैं। पिछले दिसंबर के माह में थाना भावरकोल द्वारा बड़ी प्रभावी कार्रवाई इसमें की भी गई है। विभिन्न जनपदों के गौ तस्कर यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं। उसमें मुजफ्फरनगर, शामली, कानपुर देहात, कौशाम्बी इत्यादि जगह से लोग अपना ला रहे थे गौ पशुओं को, जिन्हें भावरकोल पुलिस द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। उसी में कल भी एक सूचना थी कि कुछ गौ तस्कर किसी गाड़ी से कुछ गौवंशों को बिहार ले जा रहे हैं। इस पे थाना भावरकोल हमारी स्वाट सर्विलेंस मुस्तैद थी। रात में 3:30 बजे भावरकोल क्षेत्र में पखनपुरा जो अंडरब्रिज पड़ता है उसके पास एक संदिग्ध गाड़ी बोलेरो इन्हें दिखाई थी, जिसे रोकने का प्रयास किया। वो रुकी नहीं, बल्कि पुलिस पार्टी पे उन्होंने चढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि पुलिस को पुख्ता सूचना थी। इसीलिए 2-3 जगह हम लोगों ने उसमें इंटरसेप्शन लगा रखे थे। इसके बाद उन्होंने भागते भागते पुलिस पार्टी पे गोली चलाई, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी थी। जब उससे पूछताछ की गई तो वो जनपद का ही 25,000 का इनामी निकला। ना केवल जनपद ही, बल्कि वो बाराबंकी से भी 4-5 महीने से वांछित चल रहा था। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई और उसका एक साथी भागने में सफल हुआ है, उसकी भी तलाश की जा रही है और उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें एक बोलेरो गाड़ी जिसका इस्तेमाल कर रहे थे 4 गोवंश और जो घायल अपराधी था उसके पास से आग्नेय शस्त्र भी बरामद हुए थे।